सोलन में युवा एवं खेल विभाग द्वारा विशेष बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए विशेष बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स, बैडमिंटन और विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सोलन में आयोजित एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में तकरीबन 100 बच्चों ने भाग लिया। आपसी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रतिभागियों ने साबित कर दिया कि जिन्हें हम अक्षम समझते हैं उनमें भी आम बच्चों की तरह प्रतिस्पर्धा की भावना है। वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके लिए ये कड़ी मेहनत भी करते हैं। इस मौके पर युवा एवं खेल विभाग में संयोजक बलिराम शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता का सोलन में जिला स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से आए तकरीबन 98 विशेष बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी विजयी रहेंगे उन्हें राज्य स्तर पर जिला धर्मशाला में आगामी माह में होने वाली प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में बच्चों ने खेल भावना का परिचय देते हुए बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। आज एक दिवसीय दिव्यांग बच्चों के लिए फोटो ग्राउंड में 6 खेलों के लिए का आयोजन कराया गया, जिसमें जिला भर के 98 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें बोची, बैडमिंटन, दौड़े और रस्सा टप्पा ये 6 गेमिंग और अलग अलग कैटेगरी की होगी, कोई मेंटली चैलेंज को और अलग अलग कैटेगरी की इसमें भाग ले रहे हैं। मेन मोटिव जो, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं इनको कहीं स्पर्धा का मौका नहीं मिलता और इनमें स्पर्धा भी आती है और उत्साह बढ़ता है, और क्योंकि ये अपनी बीमारी से बाहर आने का इनको एक मौका मिलता है कि ये अपनी बीमारी से उभर कर इधर उधर इनका ध्यान बंटे और खुश रहें। इस प्रतियोगिता में जिनका स्थान प्रथम स्थान आएगा वो 28 प्रतिभागी 3 तारीख को धर्मशाला में स्टेट लेवल का प्रतियोगिता। सोलन से अमरप्रीत पुंज। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.